नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। केजरीवाल का आरोप, नोटबंदी की आड़ में 8 लाख करोड़ का घोटाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की आजादपुर मंडी में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी की आड़ में 8 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत 1000 और 500 के नोट बंद किए गए हैं। दूसरी ओर सरकार ने किसानों को कृषि ऋण के तहत उनके खाते में आई राशि में से हर सप्ताह 25,000 रुपए तक निकालने की छूट देने का निर्णय लिया है। शादी के लिए वरवधू के माता या पिता अपने खाते से 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। अरविंद ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कहते हो कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन 2000 के नोट से भ्रष्टाचार कैसे खत्म करोगे? 2000 के नोट खुलेआम बिक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विजय माल्या को नरेंद्र मोदी ने ही विदेश भगाया। मोदी सरकार उद्योगपतियों से कर्ज की एक पाई भी नहीं वसूल पाई, उल्टे उनका 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। अब इसकी भरपाई कैसे करें, इसके लिए नई तरकीब निकाली और 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए ताकि लोग अपने पुराने पैसे बैंकों में जमा कराएं। काले धन को सफेद करने के लिए 40% का कमीशन चल रहा है। इसी रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे हालात तो आपातकाल के समय भी नहीं थे, अच्छे दिन का वादा कर सरकार देश की जनता को रुला रही है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सरकार 3 दिन में फैसला वापस नहीं लेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दूसरी ओर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब 1000 रुपए के नोट नहीं आएंगे और गुरुवार शाम से 22,500 एटीएम तकनीकी तौर पर अपडेट हो जाएंगे। अपडेट होने के बाद एटीएम में 500 और 2000 के नोट रखे जा सकेंगे, जिससे एटीएम से निकलने वाली राशि की सीमा भी बढ़ाई जा सकेगी। अभी सिर्फ 2500 रुपए ही एटीएम से निकल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही करेंगे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित। इराक में इस्लामिक स्टेट ने 300 पूर्व पुलिसकर्मियों की हत्या कर सामूहिक कब्र में दफन किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई वॉयस कमांड से चलने वाली व्हीलचेयर। चीनी राजदूत ने कहा चीन तथा अमेरिका एक दूसरे को संदेह से देखने से बचें। विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने जमाए शतक। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।